कंगना रनौत का रियलिटी शो लॉकअप लगातार चर्चा में बना हुआ है। शो में कैदी बने कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाले झगड़े और उनकी निजी जिंदगी को लेकर होने वाले खुलासे लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। ऐसे में हाल ही में प्रसारित हुए शो के एक एपिसोड में एक टास्क को करते हुए एक्ट्रेस निशा रावल, पायल रोहतगी, सारा खान और पूनम पांडे सोशल मीडिया पर हो रही हैं जमकर ट्रोल। दरअसल चारों एक्ट्रेस अपने खराब सामान ज्ञान के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। इन चारों से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछा गया, लेकिन ये चारों एक्ट्रेस देश के राष्ट्रपति का नाम बताने में असफल रही। वहीं अब पायल रोहतगी के पार्टनर संग्राम सिंह उनके समर्थन में लॉकअप के अखाड़े में उतर आए हैं। जी हां, राजनीति पर हमेशा खुलकर बात करने वाली एक्ट्रेस पायल रोहतगी को लॉकअप के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है कि उन्हें देश के राष्ट्रपति का नाम तक याद नहीं। वहीं अब पायल रोहतगी के पार्टनर संग्राम की टीम की तरफ से जारी किए गए एक स्टेटमेंट में संग्राम ने कहा, पायल एक बहुत ही सुलझी हुई और तोल मोल के बोलने वाली शख्सियत में से एक है। जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ, वो राजनीति, इतिहास और समान ज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानती है। शो में हड़बड़ी की वजह से कुछ पल के लिए उसके दिमाग से नाम फिसल गया होगा। और फास्ट गेम में क्या होता है कि पायल एक तरफ और बाकी के लोग एक तरफ। ये अपनी सोच खुद रखती है, बाकी लोग गेम में एलिमिनेशन के डर से एकजुट दिखते हैं तो पायल पर प्रेशर डालते हैं कि जल्दी जल्दी बोलो ताकि टीम हार जाए, वरना पायल को सब कुछ पता है। संग्राम ने आगे बताया, मैंने देखा कि कुछ वक्त के बाद उसने जवाब भी दिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन सब बातों पर ध्यान देने से अच्छा ये देखें कि पायल कितनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ गेम खेल रही है, उसे अपना सहयोग दें, क्योंकि आज पायल जो कुछ भी है आप लोगों के प्यार की वजह से है। मैं खुद पायल से बहुत इंस्पायर होता हूँ, जिस तरीके से वो अपने जीवन को सकारात्मक ढंग से जीती है। समय से उठना, समय से सोना, योग ध्यान से जुड़कर वो जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। और इस गेम में मुझे पायल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में और एक विनर के तौर पर दिखाई दे रही है। वेल, आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।